नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की तरफ से भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप लगा। और अब इस पूरे मामले में ताजा अपडेट यही सामने आ रहा है कि दिलीप घोष के खिलाफ केस जो है वो मामला दर्ज किया गया है। तो सोमवार को एक इवेंट के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप है। उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी और पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, हमला करें तो टीएमसी कार्यकर्ता और पुलिस को पीट दो। तो ये भड़काऊ भाषण देने का आरोप दिलीप घोष पर है। तो उन पर ये आरोप लगाया गया है कि टीएमसी और पुलिस के खिलाफ आप अगर वो उनका रवैया आपके प्रति गलत है तो उनको पीट दो, अगर आपके ऊपर हमले किए जाते हैं तो टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों को पीटो, डरो मत, अगर कोई समस्या आती है तो हम मैनेज करेंगे। तो इस तरह का बयान दिलीप घोष की तरफ से दिया गया था और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप है। और अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर दिलीप घोष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आरएनआई टीवी के साथ।